हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। आपने तो पढ़ा ही होगा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि हाई वोल्टेज उसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई देके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो पहले हम एक कार्डबोर्ड काट लेते हैं। एक कार्डबोर्ड को शेप में अच्छे से काट लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक कार्डबोर्ड सीट। उसके बाद हम एक छोटा सा ग्लास ले लेते हैं। इस ग्लास में हम कार्डबोर्ड को ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो इतना अमाउंट हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस ग्लास के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इसमें हम पहले दो होल करते हैं। इसमें हम प्लेट्स के जगह ब्लेड यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो हम अभी ब्लेड लाते हैं। तो अभी इस कार्डबोर्ड में हम दो कट करेंगे, एक यहाँ पे और एक इसके साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम ब्लेड लगा देंगे। ठीक है, इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। और इसको बहुत ही ध्यान से करना होता है, थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो हाथ कटने का डर रहता है। तो आप सब इसको कृपया घर में मत कीजिएगा। तो पहले मैं इसको अच्छे से इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, हमने बहुत ही सावधानी से ये दो ब्लेड इसमें लगा दिया है। अभी इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और पानी भरेंगे, देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके। आप बने रहिए लास्ट तक और देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले हमें एक ग्लास में टैप वाटर ले लेंगे। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ये है मेरे पास एक टेम्परेचर मीटर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं वाटर का टेम्परेचर कितना क्या है। 24 पकड़ते हैं इसको, क्योंकि और थोड़ा देर में और भी थोड़ा डाउन होगा। 24.3। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है। अभी इसमें हम ये जो इलेक्ट्रो प्लेट्स के लिए इसको बनाए हैं, अभी इसको हम इसमें डीप करते हैं। अभी डीप करके अच्छे से देख सकते हैं आप कितना अंदर तक गया हुआ है। इसमें थोड़ा और पानी भर देंगे। हाँ, इससे पहले हम इसमें सॉल्ट यूज़ करेंगे। ये है टेबल सॉल्ट NaCl। ये देख सकते हैं NaCl हमने यूज़ कर दिया है इसमें। थोड़ा हम करेंगे, मिला देंगे पानी के साथ। अभी इसके बाद हम प्लेट दे के इसमें हम करंट पास करेंगे और देखेंगे क्या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। अभी हम इसमें DC वोल्टेज दे के देखते हैं कि ये कैसा क्या है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। इसको पहले चेक कर लेते हैं हम मल्टीमीटर में अपने पास कितना वोल्टेज मैक्सिमम DC आउटपुट है। आप देख सकते हैं 17 वोल्ट करीब DC आउटपुट है। तो इसको हम अभी इसमें कनेक्शन करके देखते हैं क्या कैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। अभी हम कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है इन दोनों ब्लेड्स में पावर देने से। ठीक है, हमने दे दिया कनेक्शन और आप देख सकते हैं गैस रिलीज होने भी स्टार्ट हो गया है नेगेटिव टर्मिनल से। आप देख सकते हैं,
आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से कितना गैस रिलीज हो रहा है, और इसी को ही कहते हैं वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें हमने टैप वाटर यूज़ किया हुआ टेबल सॉल्ट के साथ मिक्स करके देख सकते हैं कितना क्या गैस रिलीज होता है नेगेटिव टर्मिनल में, और पॉजिटिव टर्मिनल में बहुत ही मिनिमलिस्टिक गैस रिलीज होता है। और इसका कलर भी कुछ चेंज हो रहा है, देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा येलोइश कलर हो रहा है और बहुत सारा गैस रिलीज हो रहा है। अभी हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, टेम्परेचर कि इसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है। तो ये है अपना डिजिटल थर्मोमीटर, अभी हम 23 है, ठीक है। अभी हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कितना क्या टेम्परेचर राइज किया है इसमें। पहले नॉर्मल टेम्परेचर 24 ही था, देखते हैं। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है, बस पॉइंट समथिंग में ही चेंज हुआ है, तो इसीलिए। और इसका देख सकते हैं आप कलर भी चेंज हो गया है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। नीचे से भी देखिए, नीचे से भी कैसा हो गया है, ये बहुत ही डेंजरियस बन गया है ये केमिकल। इसको हम तुरंत ही फेंक देंगे, और इसमें से जो गैस रिलीज़ हुआ है वो भी डेंजरस गैस है। और आप कमेंट में बताइए इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या गैस रिलीज़ हुआ है, एनोड से और कैथोड से, और वो बहुत ही जहरीला गैस होता है जो रिलीज़ हुआ है। आप कमेंट कीजिए क्या गैस रिलीज़ हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू।